हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। माय नेम इज स्नेहा गिरी। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 15.2, एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, एंड हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई एम टेकन हियर क्वेश्चन नंबर 7, एंड वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 15, ये मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको पूरा एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आएगा। और मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे त्रिभुज मेंशन है कि ट्रायंगल कौन सा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल भी है और साथ में आइसोसेलस है। तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के लेंथ दे दिया है, तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। चलो तो फिगर मैं बनाती हूँ, उसे और क्लियर हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते कैसे हैं, इस तरीके से बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलस है। आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु, दो भुजाएं इसकी बराबर है, टू साइड्स आर इक्वल। लेट अस सपोज कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, एंड लेट एबीसी इज द राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। एंड राइट एंगल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री है, और उसमें हाइपोटेनस का लेंथ, दैट इज एसी का लेंथ दे दिया है 12√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एरिया। तो हियर इट इज गिवन, लेट एबीसी इज अ राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके, एंड हेयर एसी इज इक्वल टू 12√2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि एसी कितना है, हाइपोटेनस क्या है, 12√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें पता है कि एंड ए बी इक्वल्स बी सी। जब ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजाएं ऑब्वियसली इक्वल होंगी। दोनों को एक्स मान लिया, एक्स लेट हमने इसे x मान लिया। ठीक है, तो जब दोनों को हमने x मान लिया और इसका एक जो भुजा है जो कि हाइपोटेनस है, वो 12√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, जिससे हमें कोई भी साइड अगर फाइंड करना होता है तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट एसी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर या फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस क्या है बीसी, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज एबी स्क्वायर, मतलब कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो चलो, आधार यहाँ पे BC है, बेस BC का लेंथ हमने x माना था, x स्क्वायर, एंड AB इज द क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को भी हमने x ले लिया था, x एंड x। ठीक है, तो x स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर की जगह पे 12√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको मैं घुमा के लिख देती हूँ, x प्लस एक्स 2x स्क्वायर इक्वल्स 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2 होता है। देखो, √2 मल्टीप्लाई √2, दैट इज √√2 मल्टीप्लाई 2, और जब रूट से बाहर निकालना होता है तो उसका पेयर कर लेते हैं, जोड़ा बैठा देते हैं, तो ये रूट से बाहर आ जाता है, दैट इज 2, मतलब कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज कितना हो जाएगा, सॉरी इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर, डायरेक्टली हम वो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर निकालना है ना हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 2, ये जो 2 था ये नीचे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको कट कर देंगे, दैट इज 144, दैट इज वी गेट एक्स इज इक्वल टू √144। जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, अब इसका रूट कितना होता है, 12 होता है, 12 का स्क्वायर 144, और 144 का रूट होता है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। एक्स हमने माना क्या था, इक्वल साइड्स का लेंथ, दैट इज ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सबका लेंथ हमें पता हो गया, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमें क्या पता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे बीसी है, बीसी 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट ए बी भी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब बस इसको कट कर देंगे, 2 6 12, एंड 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72, एंड 72 इज द आंसर, 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथा ने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जिसके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, और विकर्णों के बीच से बने कोण का मान 90 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुजों की लंबाई लिखे और समानांतर चतुर्भुज का गुण भी लिखे। तो होप आप लोग समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक्चुअली कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण, मतलब कि इसका जो विकर्ण का लेंथ दे दिया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और इसके बीच का कोण, विकर्णों के बीच में एक कोण है 90 डिग्री का, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई बताना है और समानांतर चतुर्भुज का गुण भी लिखना है। ओके ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पृथा ड्रीव अ पैलेरोग्राम ऑफ विच लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स आर, लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स, एक पैलेरोग्राम बनाएंगे, लेट दिस इज द पैलेरोग्राम। पैलेरोग्राम का कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आमने सामने का जो साइड होता है वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस तरीके का एक पैलेरोग्राम बनाया, ए बी सी डी,
इज अ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. लेट अस सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है. ये थोड़ा सा और लंबा करना था, कोई बात नहीं. इसको मैं 8 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और इसको 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, कैसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है. 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल्स बिटवीन देम इज 90 डिग्री. मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक दूसरे को जो कट करेंगे वो 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे, ठीक है. एंड लेटेस्ट राइट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. मतलब कि हमें लेंथ फाइंड करना है, दैट इज हमें ए डी बी सी डी सी ए बी ये सब फाइंड करना है, ठीक है. और साथ में हमें क्या करना है कि व्हाट टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम इट इज, ये किस तरह का पैरेललोग्राम है ये भी हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है, मान लिया कि ए सी 8 सेंटीमीटर है. लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ द डायगोनल, या फिर विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, एंड डी बी या बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. दोनों का लेंथ दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख लिया. उसके बाद अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी. अच्छा, ये एक दूसरे को ओ बिंदु पे कट कर रहे हैं ना, ए ओ बी. नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी में हम क्या लिखेंगे कि एओ, एओ कितना हो जाएगा, एओ इक्वल्स क्या हो जाएगा, एओ इक्वल्स ए सी बाई टू, ठीक है. एओ इक्वल्स ए सी बाई टू, ए सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो 8 बाई 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर. कैसे आया एओ, क्योंकि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है. इक्वल पार्ट, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है. तो ये क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये इक्वल ये, ठीक है. इसका मतलब कि इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, दैट इज एओ इक्वल्स 4 सेंटीमीटर आ गया. और हमें क्या फाइंड करना है, ओ बी, ठीक है. तो ओ बी और बी ओ बी हम निकाल सकते हैं. ओ बी इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये पूरा है, हमें बस बी डी पता है, तो बी डी का आधा ओ बी है, बी डी का आधा है, दैट मीन्स बी डी बाई टू, दैट मीन्स बी डी कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 डिवाइडेड टू दैट इज 3 सेंटीमीटर, एंड वी गेट एओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल्स 3 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी. अब हमें ए बी निकालना है, ठीक है. तो आपको दिख रहा होगा फिगर से कि ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड. ए बी क्या है, सबसे लंबा साइड है, इसका मतलब ए बी क्या है, हाइपोटेनस है. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. 90 डिग्री पे जब ये कट करते हैं और हमें ये और ये सब पता है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ना, एओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्यों, फॉर द फाइंडिंग ए बी. तो ए बी को निकालने के लिए, ए बी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. दैट मीन्स वी कैन राइट ए बी स्क्वायर इक्वल्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. ओके, देन हमें ए बी पता नहीं है, हमें साइड ही तो पता करना था ना, तो हमें साइड नहीं पता है, इसलिए हमने ए बी कर दिया. अब ओ ए का वैल्यू हमें पता है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, ओ बी हमें पता है कितना 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9, ठीक है. दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स क्या आ जाएगा रूट अंडर 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब ए बी का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर आ गया. और यहाँ पे जब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं और ए बी 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है. नाउ यहाँ पे जैसे कि कंडीशन उसके अकॉर्डिंग सारे साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है, सेम कंडीशन हो रहा है ये भी, तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा. कैसे 5 आएगा मैं आपको बताती हूँ. अगर ये टोटल डी बी 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा बी ओ 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा. सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली इसका मतलब, सिमिलरली ए बी इक्वल्स, सिमिलरली डी सी, डी सी इक्वल्स ए डी इक्वल्स, डी सी इक्वल्स ए डी इक्वल्स बी सी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ऑल ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है. बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल्स, दैट मीन्स सारे साइड तो इक्वल है, सारी भुजाएं समान है, बट जो उसका विकर्ण है वो समान नहीं है. बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है. हेंस हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, विच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ये हमें लिखना है, सॉरी. तो ए बी सी डी इज अ रॉम्बस. रॉम्बस में ही ऐसा होता है कि उसका जो डायगोनल का लेंथ होता है वो अनइक्वल होता है, बट द लेंथ ऑफ द ईच साइड आर इक्वल, ठीक है. मतलब कि लेंथ ऑफ द ईच साइड इक्वल होता है और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो रॉम्बस होता है, ठीक है. एंड ऑल्सो एक और कंडीशन है कि डायगोनल्स की जो डायगोनल्स हैं जिसके 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, तो वो रॉम्बस का ही कंडीशन होता है. एंड एक और कंडीशन हम यहाँ लिख सकते थे इसको भी हटा करके, कि दी डायगोनल्स ऑल्सो दी डायगोनल्स, मतलब कि विकर्ण कर्ट्स या फिर बाइसेक्ट, नहीं कर्ट्स होगा,
या फिर बाइसेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, बाइसेक्ट ठीक नहीं लग रहा, कट्स कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो एक और रॉम्बस का कंडीशन होता है जो उसमें जो उसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, मतलब कि डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस इज कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, एंड हेंस इसके बाद हम लिख सकते हैं हेंस इट इज अ रॉम्बस, रॉम्बस। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि लेटेस्ट राइट व्हाट टाइप ऑफ पैरेलोग्राम इट इज। तो ये किस तरह का पैरेलोग्राम है, ये एक रॉम्बस है, रॉम्बस भी एक पैरेलोग्राम है, क्यों, क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर या पैरेलल होती है। ठीक है, तो रॉम्बस इज ऑल्सो अ पैरेलोग्राम एंड हेंस इट इज अ रॉम्बस, तो ये कंडीशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से है, हम लोगों ने मोहल्ले के एक त्रिभुजाकार एक पार्क की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है, पार्क की परिसीमा 216 है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पार्क में सर्वाधिक लंबी भुजा तक विपरीत कोणीय बिंदु से खींचे जाने वाली कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ये ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें एक त्रिभुज है और उसकी लंबाई का भी अनुपात दे दिया है, मतलब रेशियो दे दिया है, परिसीमा भी है, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, तो चलो इसे फाइंड करते हैं। नाउ हियर इट इज गिवन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क। ओके, इज गिवन 2:3:4। ठीक है, एंड पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन 216 मीटर। देन लेट अस सपोज द लेंथ आर लेंथ ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क, ट्रायंगुलर पार्क मतलब कि त्रिभुजाकार पार्क का लेंथ कितना है, आर हमने मान लिया 2x, 3x, 4x। क्यों, क्योंकि रेशियो इज गिवन, रेशियो कितना था, 2:3:4 था। ठीक है, 4 था, इसका मतलब हम उसे 2x, 3x और 4x ले सकते हैं। ठीक है, इतना हम ले लिया, और ऑल्सो पेरीमीटर इज गिवन, एंड पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर इज इक्वल टू 216 मीटर। नाउ अगर इस तरीके का पार्क होगा, ठीक है, इसका पेरीमीटर ये मान लो 2x है, ये 3x है और ये 4x है। ठीक है, और पेरीमीटर 216 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि सबको ऐड करने पे पेरीमीटर आता है। नाउ वी कैन ऐड ऑल द साइड्स, दैट इज 2x + 3x + 4x एंड वी गेट 216 हियर। नाउ एडिंग That means we get 9x = 216 divided 9 x = 24 meter, और x हमने क्या लिया था, इसके साथ इसका जो मल्टीप्लाई है उसे हमने x ले लिया था। नाउ वी कैन इजली गेट द लेंथ, नाउ द फर्स्ट लेंथ, फर्स्ट साइड ऑफ द पार्क is equals to 2 into x, that is 2 into 24, that is 48 meter. Similarly, second side of the park, we get 3 multiply 24, that is 72 meter, centimeter. Okay, oh sorry, meter mein hai na, meter. Now, third side of the park, tisri bhuja, that is 4 into 24. गेट बाई मल्टीप्लाइंग 496 मीटर। ठीक है, तो सारे साइड का लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब कह रहा है कि वॉट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क हम कैसे निकालेंगे, जब ये जो भुजाएं हैं विषम बाहु त्रिभुज हो या फिर स्केलिन ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल को हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, मतलब कि सारे साइड अनइक्वल हो, तो फॉर्मूला इसका एक है जिसे हिरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो हिरोन्स फॉर्मूला से अब इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले, सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिसीमा कहा जाता है। ठीक है, अर्ध परिसीमा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड टू, सबको ऐड कर लेंगे, 48 + 72 + 96 / 2, सबको ऐड करने के बाद 2 से डिवीजन करते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, वही पेरीमीटर के बराबर, दैट इज 216, ऐड करो तो 216 / 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर, वी गेट 108 मीटर। तो इतना मीटर आ गया सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट किया जाता है, वी गेट एस इज इक्वल टू 108 मीटर। ठीक है, अब ना फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, ट्रायंगुलर पार्क इक्वल्स रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी। ये होता है फॉर्मूला, हिरोन्स फॉर्मूला, जो कि एक अनइक्वल साइड्स के ट्रायंगल को निकालने के लिए होता है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क इज दिस।
अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे 108, 108 माइनस ए, ए का मतलब कि पहली भुजा 48, बी का मतलब दूसरी भुजा दैट इज 108 माइनस 72, और सी का मतलब तीसरी भुजा दैट इज 108 माइनस 96। अब सबको माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 108 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 108 माइनस 96 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है और इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत लंबा जाएगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं पूरा आपको करके दिखा सकती थी, बट आप इसको इस तरीके से भी, जैसे 108 का इस तरीके से ले लिया, ठीक है, 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8, फिर 54 को करेंगे तो 2 6 को करेंगे, 2 2 4, 2 7, फिर 2 से इसको करेंगे तो सॉरी 3 से करेंगे तो 3 9, फिर 3 से 3 3 टाइम्स, मतलब ये जितना आया इसको यहाँ लिखेंगे, फिर 60 का भी वैसे ही, 36 का वैसे ही, और उसके बाद पेयर बैठाएंगे, पेयर या जोड़ा निकालेंगे, सबका जोड़ा बाहर आ जाएगा, जैसे ही जोड़ा बैठेगा और रूट से बाहर निकल जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से आंसर मिल जाएगा कि 432 रूट, जो नहीं, जिसका पेयर बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, अब एरिया हमने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन था इसमें अटैच में, क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन था, ये वन नंबर का आंसर हो गया, नंबर वन का आंसर ये हो गया आपका। अब नंबर टू एक और क्वेश्चन था इसमें कि लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द पार्क, नंबर वन एंड सेकंड नंबर वन इज लेटेस्ट राइट कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इज टू बी वॉक्ड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द साइड स्ट्रेटली। अगर इसके अपोजिट वर्टेक्स के से इसके जो आधार की तरफ चलते आए तो इसका लेंथ कितना होगा, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। इसका मतलब हमें इसका हाइट निकालना है, ठीक है, हमें इसका हाइट निकालना है। तो वो हाइट हम कैसे निकालेंगे, चलो अब इसका सेकंड पार्ट मैं इसे मिटा देती हूँ और इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो करते हैं। फर्स्ट वाला मैं एक बार और दिखा दूं आपको, इस तरीके से बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो उसका आंसर करते हैं। ओके, नाउ वी हैव एरिया, एरिया हमने निकाल लिया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क, ट्रायंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 9 रूट 15 आया था, नहीं सॉरी 4 9 रूट 15, तो उसका आंसर है 432 रूट 15 स्क्वायर मीटर। ये एरिया हमने इस पार्क का निकाला था अभी एक नंबर में, ठीक है। अब हम दो नंबर क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं, तो दो नंबर में कह रहा है कि इसका जो अपोजिट साइड में जो लेंथ खींचा जाएगा इसका लेंथ कितना होगा। मान लेते हैं ये एबीसी द पार्क है, एबीसी एंड एडी का लेंथ हमें चाहिए, एक्चुअल में हमें एडी का लेंथ चाहिए, ए है और ये डी है, तो हमें इसकी हाइट निकालना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि जो एरिया है वो इतना है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इज दिस। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 432 रूट 15। अब हमें एरिया चाहे किसी भी तरीके से निकाला हो, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमारे पास हाफ इंटू बेस तो है, बेस कितना है, बेस है हमारे पास 96, क्योंकि 4 × x 96 हो गया था, सबसे जो लंबी भुजा थी उसकी लंबाई 96 थी, तो 96 बेस था हमारे पास, बट हमारे पास हाइट नहीं था, वही हमें फाइंड करना है। अगर हम हाइट फाइंड कर लेंगे तो हमें ये जो इसका जो वर्टेक्स से उल्टा साइड में ये जो चला है या इसका लेंथ पूछ रहा है वो हमें मिल जाएगा। हाइट, हाइट की जगह पे एच लिख दिया हमने, रूट 15, ठीक है। नाउ इसको कट करेंगे या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो एडी या फिर हमें हाइट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 432 रूट 15, और ये जो है वो डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइडेड 96। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 48, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपको डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में, 48 9 जा 48, हाँ 48 9 जा इतना 432 होता है, दैट इज 9 रूट 15 मीटर इज द हाइट, ठीक है। जो कि कह रहा था कि हाउ लॉन्ग टू बी वॉक फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड में वॉक करने पे कितना
दूरी लगेगा, कितना डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना था, एंड दिस इज द आंसर। इसे हम लिख सकते हैं कि 915 मीटर इज टू बी वॉक्ड फ्रॉम फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू लॉन्गेस्ट साइड। या फिर आप हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं कि 915 मीटर की दूरी लगेगी अगर उसके विपरीत विपरीत शीर्ष बिंदु से सबसे लंबी भुजा के ऊपर जाने तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। 1 एंड 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट जब क्लास कराएंगे, नेक्स्ट जब मैं वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगी, तो और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप यहाँ से यूज करके अपने एग्जाम को दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।